देखो मैं ड्रामेटिक साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं बीमारी पड़ गया, इसलिए रिव्यू भैया लेट आ रहा है, मुझे माफ कर देना। भाई क्या मूवी है, मतलब क्या ही बना डाला। लेकिन हाँ, मेरी फीलिंग्स वही फील कर सकता है जिन्हें अपने रूट, अपनी संस्कृति, अपने धर्म का कुछ थोड़ा बहुत भी पता हो। वरना कुछ लोग तो ऐसा भी बोलेंगे, देख के आ गया, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। मूवी में टाइम वेस्ट 3 घंटे, भूल से भी नहीं जाना चाहिए। बहुत स्लो मूवी है, टर्मिनेटर की कॉपी, बकवास है मूवी। अबे ठुल्ले जाकर महाभारत पढ़ो। और एक महान भाई प्रिंस फैज लिखते हैं, अबे कभी तो खुद का कुछ बना लिया करो, सब चीज चोरी करने की आदत है। अल्ट्रॉन का मेकअप करके बोल रहे हो अश्वधामा, और अवतार के रोबोट में प्रभास को बिठाकर विलन बना दिया, और हरक्यूलिस मूवी की थीम चुरा के उसके पेट में भगवान का बच्चा बोल रहे हो, बन गई मूवी शेमलेस। अबे पंचर छाप, पहले तो नाम ठीक से ले ले, वो अश्वधामा नहीं अश्वथामा है, और ये पेट में बच्चा और कल की भगवान वाला कॉन्सेप्ट हॉलीवुड ने हमसे चुराई है, सनातन धर्म के ग्रंथों से चुराई है पंचर छाप। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, और उन लोगों के लिए खासकर तो बिल्कुल नहीं है जिनको सनातन धर्म की कोई समझ नहीं है। खैर मुझे नहीं लगता था कि प्रभास का कमबैक इस तरह से होगा, जिस तरह से हमने उनको आदिपुरुष में जीसस का अवतार धारण करके हकते हुए देखा था, उस हिसाब से लग रहा था कि प्रभास तो गए हो। लेकिन अब प्रभास को जिस तरह के रोल मिलने चाहिए, बिल्कुल बाहुबली टाइप, वो मिल गया। इस फिल्म को देखने के बाद मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री महाभारत की थोड़ी सी भी समझ होगी तो क्या मार्वल क्या डीसी तुम सब भूलने वाले हो, क्योंकि ये कल्कि का अपना ही इंडियन वर्जन यूनिवर्स है, नॉन एज कल्कि यूनिवर्स। भले ही कुछ कुछ सीन्स आपको कॉपी लगे, लेकिन उसे आप कॉपी नहीं इंस्पायर्ड बोल सकते हो। फिल्म में एक ऐसी दुनिया को दिखाया गया जहां सब कुछ तहस नहस हो गया, हवा जल धरती सब कुछ दूषित हो गया। काशी को दुनिया का आखिरी बचा हुआ शहर दिखाया गया है, जहां लोग खाने पीने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, और उसी काशी में एक कॉम्प्लेक्स बनाकर उस पर राज कर रहा है यास्किन नाम का एक बहुत ही क्रूएल दानव। कमल हसन जो यास्किन के किरदार में अपने कॉम्प्लेक्स में लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट करके उसे जबरदस्ती प्रेग्नेंट कर रहा है, ताकि उसके पेट में पल रहे बच्चे का सीरम लेकर वो अपनी पावर को बढ़ा सके। जितनी लड़कियां एक्सपेरिमेंट के दौरान मारी जाती उसे सीधा धधकती आग में फेंक दिया जाता है। सेम एक्सपेरिमेंट दीपिका पादुकोण जो सुमति के रोल में है उस पर भी होती है, बार बार फेल होने के बाद वो प्रेग्नेंट तो हो जाती है, लेकिन वो इस बच्चे के सीरम को देना नहीं चाहती, वो बच्चे को जन्म देना चाहती है। फिर एंट्री होती है मेन हीरो अश्वथामा की, जिनको अमरता का श्राप मिला था भगवान कृष्ण से। जब आप ये महाभारत का सीन देखोगे जहां पर भगवान कृष्ण और अश्वथामा के बीच फाइट होती है, वो सीन लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगा। स्पेशली श्री कृष्ण का वो डार्क फेस, इसमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उनके बोले गए एक एक शब्द क्या पावरफुल गूज बम्स देती है। इस युग का अंत होगा पर तुम सदा जीवित रहोगे, मृत्यु की भीख मांगोगे परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, यही मेरा श्राप है। डायरेक्टर नागा अश्विन ने जिस तरह से महाभारत के एक एक सीन को डिपिक्ट किया है, पर्दे पर उतारा है, वो एक एक डायलॉग एक एक सीन आपके रोंगटे खड़े करने वाला है। मतलब ये फिल्म अपनी रूट, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को एक डिस्टोपियन वर्ल्ड के साथ मॉडर्न वे में दिखाया है, जो एकदम परफेक्ट लगती है। इतना परफेक्ट कि आप फिल्म के अंदर शायद एक भी गलती निकाल ना पाओ। जब कलयुग का अंत निकट आता है और दीपिका यानी सुमति प्रेग्नेंट होती है, तभी हजारों वर्षों से ध्यान में लीन अश्वथामा को ये एहसास हो जाता है कुछ होने वाला है, भगवान कल्कि आने वाले हैं और उन्हें उनकी रक्षा के लिए अब जाना ही होगा। फिर सुमति के पेट में पल रहे भगवान कल्कि को बचाने के दौरान बाउंटीज को मारना, प्रभास को उड़ा उड़ा कर धोना, मतलब क्या सीन थे। फिल्म के अंदर अश्वथामा जहां जहां भी दिखते हैं वहां वहां हर एक सीन गूज बम्स देने वाला होता है। अश्वथामा इन प्रभास एज ए भैरवा का एक एक सीन एक एक फाइट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अमिताभ बच्चन 81 साल की एज में ये सब एक्शन इतना परफेक्टली कैसे कर रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि अश्वथामा का रोल हमारे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई निभा ही नहीं सकते थे। फिल्म के बीच बीच तक आपको यह एहसास हो जाता है कि इस फिल्म का मेन हीरो तो अश्वथामा यानी अमिताभ बच्चन ही है। फर्स्ट में फिल्म थोड़ा थोड़ा स्लो लगता है, वो भी प्रभास की वजह से। प्रभास की डैशिंग एंट्री करवाने के चक्कर में कुछ कुछ जगह पर बेकार के क्रिंज डायलॉग्स, प्रभास का वो जबरदस्ती फनी बनने की कोशिश करना थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ लेकिन कई कई जगह पर प्रभास ने सच में काफी अच्छी कॉमेडी की है। और एक तो यार मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि इस पूरी मूवी में दिशा पटानी का क्या काम था। पर्सनली मुझे लगता है कि दिशा पटानी को फिल्मों में इसलिए लिया जाता है ताकि वो 2-4 बार कपड़े उतार कर लोगों को बिकनी में दिख सके, बस इससे ज्यादा उसका फिल्मों के अंदर कोई काम नहीं होता। लेकिन हाँ उसने इस फिल्म में एक काम अच्छा करा है कि उसने पूरे कपड़े नहीं उतारे। खैर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी कहानी आपको सीट से और जोर से बांधने लगती है। सेकंड हाफ का एक एक सीन आपको कई बार शॉक करेगा। अश्वथामा एंड प्रभास के फाइट सीन्स जिसमें हर जगह अश्वथामा प्रभास यानी भैरवा पर भारी पड़ते हैं। लिटरली अश्वथामा भैरवा को की तरह उड़ा उड़ा कर मार रहे थे। दीपिका हमेशा की तरह अपने रोल में मक्खन थी। जो भी कहो दीपिका माँ का रोल बहुत अच्छा निभा लेती है। एनीवे जो यास्किन पूरे फिल्म का मेन विलन है, जो दुनिया पर राज करने के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है दीपिका के पेट में पल रहे बच्चे को मार कर उसका सीरम लेकर। वो बच्चा तो नहीं मरता लेकिन उस बच्चे के सीरम के एक अंश से यास्किन फिर से यंग और पहले से भी ज्यादा और पावरफुल हो जाते हैं। इससे ज्यादा फिल्म के अंदर यास्किन को डिटेल में नहीं दिखाया गया है। यास्किन को पूरे डिटेल में कल्कि 2 के लिए बचाकर रखा गया है। कल्कि 2 में जब कलयुग का पूरी तरह से अंत होगा तब यास्किन क्या करेगा,
ऐसे इस पूरी धरती का अंत करके भगवान कल की एक नई दुनिया बनाएंगे। यह सब कुछ आपको कल की 2 में ही देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात आपको बतानी कि जिस प्रभास यानी भैरवा को हम फिल्म के अंदर एक विलन के रूप में देख रहे थे, वो लास्ट में रिवील होता है कि भैरवा कोई और नहीं बल्कि खुद महाभारत का एक दानवीर योद्धा है। अब नाम बताकर मजे खराब नहीं करूंगा, जिनको पता है वो कमेंट में बता देना। लेकिन जिस तरह से रियल महाभारत में अश्वत्थामा और पांडवों के बीच युद्ध होता है, ठीक उसी तरह से कलयुग में अश्वत्थामा और भैरवा, जो कि एक्चुअल में ये दोनों महाभारत का एक योद्धा है, दोनों फाइट कर रहे हैं। और फाइट भी कोई ऐसा वैसा नहीं, मासिव डिस्ट्रक्टिव लेवल का फाइट, जिसे देख कर लग रहा है कि हाँ ये हुई ना रियल योद्धाओं वाली फाइट। एंड यार मेरे ख्याल से जब नागा अश्विन ने ये फिल्म बना ही दी है तो आप पूरी की पूरी महाभारत ही बना डालो, क्योंकि ये मूवी देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नागा अश्विन से बेहतर महाभारत और रामायण जैसी फिल्में कोई और नहीं बना सकता। बाकी आप क्या कहते हो कमेंट करके बताना। खैर जो भी हो, जिनको भी लग रहा था कि फिल्म के अंदर हीरो प्रभास है, तो ऐसा नहीं है यार। कल्कि के पार्ट 1 में हीरो तो अश्वत्थामा यानी हमारे बॉलीवुड के शहनशाह ही है, क्योंकि प्रभास यानी भैरवा को अभी तक एहसास ही नहीं हुआ है कि वो रियल में है कौन। केवल अश्वत्थामा को ये पता लग जाता है कि भैरवा कोई और नहीं बल्कि महाभारत का एक योद्धा है। लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट कल्कि 2 में मेन हीरो आपको प्रभास ही देखने को मिलेंगे। वैसे फिल्म के एंड में यास्किन के कैरेक्टर पर से थोड़ा थोड़ा तो पर्दा उठ गया है। वैसे क्या लगता है कि कमल हसन यानी यास्किन एक्चुअल में महाभारत के कौन सी योद्धा हो सकते हैं? अगर आप में से किसी को पता चल गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसी वीडियोस अब रेगुलर आएंगी।